गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं प्रति शिरडी साई बाबा टेम्पल, जो केसर गांव पुणे में स्थित है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मेरी आई दे देंगे। ये मिनी साई बाबा मंदिर है, जैसे शिरडी में मंदिर है सेम वैसे ही मंदिर है ये, इसीलिए ये मिनी शिरडी बोलते इसको। पूरा बाहर का बोलना ये पूरा भोजनालय है, ये भोजनालय। दौड़ का मई तो गाइज, हमने प्रति शिरडी श्री साई बाबा टेम्पल को देख लिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। तो अब हम जा रहे हैं लोनावला की तरफ, जहाँ पे हमारा इकवीरा देवी टेम्पल है, जो कि हमारी कुल देवी भी हैं। और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे पापा बताएंगे। ये हमारी कुल देवता इकवीरा है, जो कि कार ला करके गाँव है लोनाड़ा में, एक माता के मंदिर में जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी ऊपर मंदिर है माता का, जो कि सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियाँ चल के जाना पड़ता है। साथ में रात को बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पूरी सीढ़ियाँ के ऊपर पानी ही पानी, और मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ही बढ़िया मौसम, मीठी मीठी बारिश हो रही है। और माता के दरबार में जा रहे हैं। एकवीरा माता हमारी कोई देवता है, जो कि बहुत शेरा वाली मैया की तरफ पहाड़ के ऊपर बैठी है। ये लोनाड़ा सिटी का नज़ारा है, देखने लायक नज़ारा है। हम कारला के लिए आए हैं एकवीरा माता, तो एकवीरा माता का ये वाटरफॉल, ये पूरा पहाड़, ये एकवीरा माता। तो गाइज, हमने अपने कुलदेवी माता मंदिर का दर्शन कर लिए हैं, जो कि पहाड़ों के ऊपर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, जो दुनिया का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो गाइज, हम भीमा शंकर मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। और हमें पता चला है गार्ड से कि यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो सॉरी गाइज, मैं आपको अंदर की सीन नहीं दिखा पाऊँगी, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। हम खाना खाने के लिए रुके यहाँ पे, ये निसर्ग होटल है। हम लोगों ने खाना खा लिया है और हमारी जो 7 दिन का ट्रिप था ये आज खत्म होता है। तो आज हम लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।